हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का लेसन 3 की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि विराम चिन्ह, मींस हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें उचित विराम चिन्ह नहीं लगे होते हैं, तो ये तो कहलाता है प्रश्न। और जब हम उत्तर लिखते हैं तो उनमें विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, और अगर कोई लेटर स्मॉल में होता है तो उसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं। कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता वहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं होता वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इस टाइप फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन सेंटेंस को पढ़िए एंड पंक्चुएट देम, और उचित विराम चिन्ह लगाइए। जैसे फर्स्ट है ए, सीमा सेज दे विल लीव फॉर मुंबई। इस सेंटेंस में जैसे कोई किसी का नेम है सीमा, तो सीमा का एस जो है फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में बना है, तो इसको हम क्या करेंगे कैपिटल लेटर में बनाएंगे। वो मुंबई जो है एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है, इसका देखो एम जो है वो स्मॉल लेटर में है फर्स्ट, तो उसको एम को हम क्या करेंगे कैपिटल लेटर में कर देंगे। और ये जो है सीमा से, यानी उसने सीमा कहती है क्या कहा, तो उसने जो कुछ भी कहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो इसका एस कैपिटल, सीमा सेज, और इसके बाद आएगा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और दे विल लीव फॉर मुंबई जो है वो पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। तो क्या होगा, सीमा सेज इन्वर्टेड कॉमा बिगिन एंड दे विल लीव फॉर मुंबई, और एम देखो कैपिटल में है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। बी, इसमें हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल्स, तो इसमें हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल में जो एच जो है फर्स्ट लेटर इसका, तो इसको स्मॉल लेटर में बना है, इसको हम करेंगे एच को कैपिटल, तो हो जाएगा एच ए वी हैव, और बाकी का पूरा सेंटेंस हम जो कहते हैं लिखेंगे। और जो मिसाइल्स है उसमें हम एम कैपिटल बनाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यहाँ सेंटेंस हैव से शुरू हुआ है, तो ये क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल, क्या आपने मिसाइल्स के बारे में सुना है, तो हैव यू हर्ड। सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस सेंटेंस में व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल होगा, अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग यानी ये इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बिल्डिंग के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसमें आश्चर्य प्रयोग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या ब्यूटीफुल, क्या सुंदर इमारत है, एक जी आश्चर्य वाली बात है, ठीक है। तो इसमें डब्ल्यू कैपिटल और पूरा सेंटेंस जो कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। डी है, राम मोहन सोहन ट्विंकल आर फ्रेंड्स, यानी ये जितने भी हैं राम मोहन सोहन ट्विंकल, ये किसी के नेम हैं, तो नेम जो है यहाँ पर सब स्मॉल लेटर में लिखे हैं, देखो आर कैपिटल स्मॉल में लिखा है, मोहन का एम, और इनमें देखो कॉमा भी नहीं लगा है, हैं, और सेंटेंस पूरा बन गया। तो इसमें राम का आर कैपिटल, मोहन का एम कैपिटल, सोहन का एस कैपिटल, लेकिन राम के बाद कॉमा, मोहन के बाद कॉमा, सोहन के बाद कॉमा, ट्विंकल कॉमा, आर फ्रेंड्स, है ना, आर राम मोहन सोहन एंड ट्विंकल आर फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स के बाद क्या लगा देंगे फुल स्टॉप, तो पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, राम कॉमा मोहन कॉमा सोहन आर एंड ट्विंकल आर फ्रेंड्स। ई, कैन यू पुट दीज आर्टिकल्स ऑन द रैक, देखिए इसमें फिर सी ए एन कैन, यानी कैन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कैन से, इज से, आर से, एम से, ये सारे सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो क्वेश्चन मार्क कहलाते हैं। तो कैन यू पुट दीज आर्टिकल्स ऑन द रैक, तो इसमें देखो सी जो है वो स्मॉल लेटर में है, इसलिए हम सी कैपिटल में, तो हो जाएगा सी ए एन कैन,
यू पुट दीज आर्टिकल्स ऑन द रैक, यानी इस पूरे पूरे सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए रैक के बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एफ, डू यू नो हाउ र्यूमरस स्प्रेड, तो डू यू नो देखो फिर यहाँ पे शुरू हुआ है क्वेश्चन मार्क, डू यू नो है ना, डू से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए ये भी प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, है क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा इसमें, तो क्या आएगा डी ओ डू का डी कैपिटल, पूरा सेंटेंस जो कहते हैं डू यू नो हाउ र्यूमरस स्प्रेड है, क्या तुम जानते हो, ये र्यूमरस मीन्स क्या होता है अफवाह, स्प्रेड मीन्स फैलना, यह अफवाह कैसे फैली स्प्रेड, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो डी इस पूरे सेंटेंस में डी कैपिटल और स्प्रेड के बाद क्वेश्चन मार्क। जी, द पोयम इज अबाउट द विंटर सीजन, है ना, यह पोयम किसके बारे में है, विंटर सीजन के बारे में है, तो द पोयम जो है इसमें इस सेंटेंस में क्या गलती हो गई है कि हमें इसको सुधार कैसे लिखना है, टी कैपिटल यानी द का टी कैपिटल, पोयम इज अबाउट द विंटर सीजन, तो डब्ल्यू कैपिटल और सीजन का एस कैपिटल और फुल स्टॉप, तो क्या जाएगा द पोयम इज अबाउट द विंटर सीजन। एच, If you came across a helpless man, what would you do? देखो क्वेश्चन मार्क है, what would you do? है? तुम क्या करोगे? If you came across a helpless, कोई helpless man मिल गया तो क्या होगा, क्या करोगे? तो if इस सेंटेंस में एक तो क्वेश्चन शुरू हुआ what would you do लास्ट में, तो do के बाद क्वेश्चन मार्क तो हम लगाएंगे, लेकिन आई एफ इफ जो फर्स्ट लेटर है इफ सेंटेंस शुरू होता है उसमें हम आई कैपिटल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा इफ यू केम अक्रॉस अ हेल्पलेस मैन व्हाट वुड यू डू, और क्वेश्चन मार्क यहाँ मतलब आई कैपिटल और लास्ट में डी ओ डू के बाद क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, आज हमने ये पंक्चुएशन सेंटेंस पढ़े हैं, इनको हमने जहाँ नहीं था वहाँ उचित विराम चिन्ह कैपिटल लेटर का प्रयोग किया है, आप इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करें और समझें। थैंक यू वेरी मच।